चोरी की ओर। क्रिप्टो करेंसी, इसे लेकर भारत ही नहीं दुनिया भर में चर्चाएं जोरों पर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक पहले ही क्रिप्टो से दूर रहने की सलाह दे चुका है, लेकिन इसके बावजूद देश में कई लोग क्रिप्टो की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। कुछ लोग इस नई करेंसी को जानने के लिए उत्सुक हैं, तो कुछ लोग क्विक कमाई के लालच में इसमें निवेश कर रहे हैं। और क्विक कमाई का ये लालच कईयों की जेब पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा है, क्योंकि क्रिप्टो के बहाने अब जालसाज भी एक्टिव हो गए हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए और इस पर हम खास चर्चा करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक से लेकर दुनिया के कई प्रमुख वित्तीय संस्थान क्रिप्टो से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों की रुचि इस वर्चुअल करेंसी में बढ़ रही है। कई लोग क्विक कमाई के लालच में क्रिप्टो में निवेश करना चाहते हैं और क्विक कमाई का यही चस्का उनकी गाढ़ी कमाई साफ कर रहा है। क्रिप्टो के नाम पर अब साइबर फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं। ताजा मामला मुंबई का है। यहाँ एक शख्स को क्रिप्टो के नाम पर 2 लाख रुपए का चूना लगाया गया है। पीड़ित के मुताबिक पिछले साल 12 अगस्त को पीड़ित के मोबाइल पर एक एसएमएस आया। मैसेज में बिटकॉइन माइनिंग करके हर दिन रिटर्न का दावा किया गया। पीड़ित ने मैसेज में आए लिंक से ऐप डाउनलोड किया और शुरुआत में 2000 का निवेश किया। निवेश के दूसरे दिन ही उसे 50 रुपए का रिटर्न मिल गया। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसके निवेश पर कुछ वक्त तक लगातार रिटर्न आता रहा। इसके बाद उसे कई व्हाट्सएप कॉल आए और निवेश बढ़ाने के लिए कहा गया। पीड़ित ने कुल 2,47,000 रुपए का निवेश किया, लेकिन एक दिन ऐप प्ले स्टोर से गायब हो गया और संबंधित लोगों से संपर्क करने के सारे रास्ते बंद हो गए। पीड़ित को तब एहसास हुआ कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। जांच में पुलिस ने पाया कि जालसाजों ने 200 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड किया है और आशंका है कि 240 से ज्यादा लोग इस फ्रॉड का शिकार हुए हैं। मुंबई ही नहीं, इससे पहले नागपुर में भी 40 करोड़ का क्रिप्टो फ्रॉड सामने आया था। इसमें आरोपी ने 2000 से ज्यादा लोगों के साथ फ्रॉड किया था। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में क्रिप्टो स्कैम बढ़े हैं। ब्लॉकचेन फर्म चेनालिसिस के मुताबिक 2021 में क्रिप्टो के नाम पर निवेशकों को $14 अरब की चपत लगी। अमेरिका के 7000 लोगों को $8 करोड़ का चूना लगाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें से ज्यादातर स्कैम ईमेल, फिशिंग, अनरियलिस्टिक रिटर्न का वादा और क्रिप्टो ऑनली पेमेंट के बहाने हुए। याद रखिए, क्रिप्टो हो चाहे कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जहां भी अनरियलिस्टिक रिटर्न की बात हो उससे बचना ही बेहतर है। वहीं क्रिप्टो की बात करें तो इसमें निवेश रेगुलेटेड ना होने की वजह से इससे जुड़े खतरे भी ज्यादा हैं। ऐसे में जब तक केंद्रीय बैंक या फिर भारत सरकार इसको मान्यता नहीं देती या फिर नियम नहीं लाती, तब तक क्रिप्टो से दूर रहने में ही भलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।